हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो वल्टेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इस साल 2023 की नई शुरुआत हो चुकी है नई वैकेंसी के साथ एचडीएफसी बैंक के साथ। दोस्तों यहां पर 12,000 से अधिक वैकेंसी आ चुकी है जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज हैं। दोस्तों अगर आप केवल 10th क्लास पास है, जी हाँ दोस्तों अगर आप केवल 10th क्लास पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप डी से ग्रुप ए तक की वैकेंसीज है जिसके लिए 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट वीडियो है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। फुल डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे जैसा कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन आपको कब से कब तक करने होंगे और किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। कंप्लीट जानकारी के लिए गाइस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार नई जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को रोजाना नई जॉब्स की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जो जानकारी दी जाती है 100% रियल होती है, साथ ही साथ आपको लिंक भी दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप जाकर के डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है या फिर अगर आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास है तो आज ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा क्योंकि इस साल 2023 की नई और ताजा भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सिंपली आपको गूगल में टाइप करना है www.tipsvaralpulse.xyz। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ये वेबसाइट मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स यहां पर आप जाकर के वैकेंसी की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकाली जा रही है एचडीएफसी बैंक की तरफ से निकाली जा रही है जो कि इस साल 2023 की बम्पर वैकेंसी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑफिसर की है, एग्जीक्यूटिव की है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, पीओ की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है, कलेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, हेड ऑपरेशन की वैकेंसी है, जनरल मैनेजर की है, मैनेजर की है, असिस्टेंट मैनेजर की है और एक्सपर्ट ऑफिसर की है, सेल्स की है, मार्केटिंग ऑफिसर की है, इंजीनियर्स की है, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 12,500 से भी अधिक वैकेंसी यहां पर आ चुकी है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर अगर आप एज ए फ्रेशर्स भी हैं, अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए फ्रेशर भी, ठीक है। तो यहां पर सबसे अच्छी बात है कि फ्रेशर्स के लिए भी यहां पर अपॉर्चुनिटी है। वहीं दोस्तों अगर आपके पास में कोई अनुभव है तो भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो केवल आपका ऑनलाइन रहेगा, तो जस्ट आपको अपने घर बैठे मोबाइल से बिल्कुल फ्री में अप्लाई करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो केवल आपका इंटरव्यू के बेसिस पे ही रहेगा, आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कुछ पोस्ट के लिए आपका ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी भी हो सकता है। वहीं दोस्तों सैलरी की बात की जाए तो मल्टीपल जॉब से अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है, तो सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होने वाला है जिसे आप चेकआउट कर पाएंगे आगे, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया की रहेगी और एज लिमिट जो है मिनिमम कम से कम आपकी जो एज है 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 50 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय दोस्तों आपसे कोई भी फीस का चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज आपको अप्लाई करना है चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास, 12वीं पास और एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यहां पर आपको क्लिक करना है, आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का करियर पोर्टल आपके सामने है, अब आपको वैकेंसी को सर्च कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपके सामने एक इमेज आएगी, उसके नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको दो लिंक दिए गए हैं, यहां पर अगर आप सेल्स या सेल्स ऑफिसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, अगर आप अदर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी लिंक पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्लिक कर दीजिए, आपके सामने नया पेज आ जाएगा और दोस्तों यहां पर आपके सामने आ जाएगी काफी सारी वैकेंसीज। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर सेल्स और सेल्स ऑफिसर की जो वैकेंसी है
ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। अगर आपको जॉब मिलती है तो परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। सैलरी के अलावा काफी सारे बेनिफिट, काफी सारे आपको यहाँ पर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर एज पर रूल्स होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर जिस प्रोफाइल के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, वहां पर आप जस्ट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है, आपके सामने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि अगर आपको ये जॉब मिलती है तो आपको करना क्या होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है, यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन पूछा जा रहा है। अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो आप आईडी और पासवर्ड डालकर के लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं तो साइन अप पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा, अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आपका ईमेल आईडी पासवर्ड खुद का क्रिएट करा हुआ होना चाहिए, चेकबुक को राइट करना है और साइन अप पर क्लिक कर देना। फिर आपको लॉगिन करके रिज्यूमे अपलोड करना है और फॉर्म को सबमिट करना है। तो दोस्तों ये तो सेल्स और सेल्स ऑफिसर की वैकेंसी का प्रोसेस हो गया। अगर आप दूसरी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो रिज्यूमे को आपको अपलोड करना होगा डायरेक्टली। अगर नहीं, अगर आप सर्च करके अप्लाई करना चाहते हैं तो व्यू ऑल जॉब्स पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने काफी सारी जॉब्स आ जाएगी। तो मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि 12,500 से अधिक वैकेंसी है वो आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 12,500 से अधिक वैकेंसी है एचडीएफसी बैंक के अंदर, काफी सारी जॉब्स है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं वन बाय वन। आप मान लीजिए इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो जॉब है एज अ फ्रेशर्स के लिए जॉब है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने है कि यहाँ पर स्किल क्या है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सारी जानकारी लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंस है ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग। और दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा, उसके बाद आपका रिज्यूमे अपलोड करना है, प्रोफाइल प्रीव्यू करनी है और कंप्लीट करके फॉर्म को सबमिट करना है। जस्ट आपको इस प्रकार अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कोई भी सवाल है आपके मन में, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।